टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब खैरियत तो है। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से कुछ खामोश खामोश सी बैठी हूँ। तबीयत खराब है बस। तो पहले बता देती, डॉक्टर के पास ले जाता। दवा रखिए घर में खाली। एक सवाल पूछ सकता हूं? मोना, तुम्हें फारिस और मुकद्दस के रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं है? मतलब खुश होना कोई फर्क पड़ता है? आपने जो फैसला किया ठीक ही किया होगा। हाँ, क्योंकि यही सही फैसला है मुन्ना। फारिस बहुत अच्छा लड़का है, देखा भाला है, और फिर आपा के घर में रहते हुए हमारी मुकद्दस को इंशाल्लाह किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। Really? ऐसा लगता है आपको? आपा जो बातों बातों में आज भी मुझे मेरा माजी भूलने नहीं देती, वो कल मेरी बेटी को ही ताना नहीं देंगी। और सबसे बड़ा ताना तो ये था कि आपने खुद जाकर अपनी बेटी की रिश्ते की भीख मांगी उनसे सजा। हाँ, पर हकीकत तो यही है कि मेरा मतलब है जज्बाती होकर हमने जो कदम उठाया था मुन्ना, वो आखिर सही तो नहीं था ना। ठीक कह रहे, उसी की कीमत चुका रही हूँ 24 साल से, और आगे पता नहीं कब तक मेरी बेटी को इसकी सजा मिलती रही। ऐसा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि फारिस मुकद्दस को बहुत खुश रखेगा। सजाद, मेरे साथ जो भी हुआ ना मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन अगर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ ना
थैंक यू सो मच। पता नहीं है मुझे चाय की कितनी तलब हो रही थी। बस देख लें फिर, सब पता होता है मुझे। यार ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी ना अजाब है, दिमाग की दही बना देते हैं यार। तो क्या जरूरत पड़ी आपको ट्यूशन पढ़ाने की? मैंने तो पहले ही मना किया था, इससे बैड आइडिया। अरे दो घंटे की तो बात है, अच्छी खासी रकम ही मिल जाती, वैसे भी इसमें फ्री टाइम। हाँ लेकिन अभी फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, मजीद स्ट्रेस आउट करने की अपने आप को क्या जरूरत है। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो मेरी नेचर का तो पता ही है, छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए मुझे अब्बू से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। लेकिन भाई अब्बू ने कभी मना भी तो नहीं किया ना। मुकद्दस अब्बू हमें वाकई बड़ा सपोर्ट करते हैं, कर मम्मी के साथ उनका जो रवैया है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यही बात तो मुझे भी बहुत परेशान करती है, मम्मी चाहे जितनी भी खिदमत कर ले, जब भी दादी और ताईजान अम्मी के बारे में कुछ भी बोलती हैं, अब्बू को पता नहीं क्यों चुप लग जाती है। और अब्बू की यही खामोशी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें और अम्मी को लेकर ये दूर चला जाऊं। भाई ऐसा तो ना बोले, अब्बू के पास भी हमारे सिवा और कोई नहीं है, उन्हें भी तो हमारी जरूरत है। मुझे बताया तक I'm really sorry, मोहित। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी मगर मगर क्या मुकद्दस, मगर क्या? तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में अच्छी तरह जानती हो, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुमने तो कहा था तुम आंटी से बात करोगी मेरे प्रपोजल के बारे में, फिर तुमने फारिस की मम्मी से इनकार क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की थी मोहित, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती अबू ने पप्पू को फारिस के लिए मेरे प्रपोजल के लिए पहले ही हाँ कह दी थी। अबू ने जिस मान और भरोसे से मुझे कहा था कि फारिस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, मैं चाहकर भी उनको इनकार नहीं कर सकी। और तुम्हारी मोहब्बत, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती मुकद्दस? बोलो मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ठीक है Okay, very good. तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। Thank you. मोहित, मैं
अम्मा को तो बिल्कुल मेरा कोई ख्याल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी और नवासे के बारे में सोच रही है। अरे मैं नाराज हूँ उनसे, इतने दिनों से उन्होंने मुड़ के पूछा नहीं है जिंदा भी हूँ कि मर गई हूँ। ऊपर से ये अमल, अरे खुदा जाने ये लड़की क्या गुल खिलाएगी। मुझे तो इतना खौफ है कि किसी दिन ये ऐसी हरकत करेगी कि मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहूंगी। अम्मी किससे बातें कर रही हैं आप? खुद से बातें कर रही हूँ और किससे करूंगी। तुम तो पूरे दिन घर पे होते नहीं हो, और वो अमल अल्लाह जाने अपने कमरे में बंद होकर कौन से वजीफे पढ़ रही है। वजीफे पढ़ी? एग्जाम्स क्लियर करने के लिए वजीफा पढ़ रही होगी। कर ली आपने अपनी अकलमंदी की बात, और इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम है, इसलिए जा रहा हूँ। कौन सा जरूरी काम है? जरूरी काम आपको बताना जरूरी है? हाँ जरूरी है बताना। और आप कहीं नहीं जा रहे, कहीं जाना है ना तो सजाद के घर जाके अम्मा को सलाम करो, कब से तुम्हारा पूछ रही है। अच्छा ठीक है, चला जाऊँ, लेकिन रात को लेट आऊंगा, दोस्तों के साथ प्लान है। जी जाहिर है, सबके प्लान है, एक मैं ही फारिग हूँ, कुछ है ही नहीं करने को, कोई पूछने वाला नहीं है। मोहित सब ठीक है? तबीयत ठीक है? तुमने सकीना को कहा कि तुमने लंच नहीं करना? जी वो बस दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे तो तुम अपसेट लग रहे हो, क्या हुआ है, कुछ हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस बहुत काम है यूनिवर्सिटी में, थक गया हूँ, रेस्ट करूँगा तो फ्रेश हो जाऊँगा। ठीक है तो कमरे में जाके रेस्ट करो, यहाँ क्यों लेटे हुए? मोहित मुझे लग रहा है कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ, आप परेशान ना हो। मोहित ने तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी, इतना नाराज और बदगुमान है वो मुझसे। कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं मैं उसे कि उसे चाहने के बावजूद मैं अब्बू का मान और भरोसा नहीं तोड़ सकती। काश अब्बू ने मेरा रिश्ता तय करने में इतनी जल्दी ना की होती। मुकद्दस, मुकद्दस। जी अम्मी। बेटे दादी बुला रही है नीचे, अगर आप फ्री हो तो देख लीजिए जरा। शुक्र है तुम्हें भी दादी से मिलने का ख्याल आ गया। सॉरी दादी, बस काम में इतना बिजी रहता हूँ, माल इतना आगे पीछे हो जाता है ना, खुद स्टोर पे जाके देखना पड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, ये तो अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तुम ही तो हो जो मेरी फरात की जगह लोगे हैं। आमीन। दादी आपने बुलाया था मुझे? हाँ भाई, शराज आया हुआ है, चाय बना कर लाओ, और खाली ना लाना, कबाब और कोई केक वगैरह है तो ले आओ। मैं लेकर आती हूँ। और सुनाओ स्टोर कैसा चल रहा है? कोशिश करता हूँ कि सज्जाद चाचू को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, इसलिए मैं ही ऑलमोस्ट स्टोर पे होता हूँ। जीते रहो बेटा, तुम तो वाकई बहुत जिम्मेदार हो गए हो। जी शुक्रिया दादी, आप बुरा ना माने तो एक फोन कर लूँ, वो माल आके खड़ा हुआ है ना स्टोर पे, तो लड़के को बताना रखना था आपने। अरे जरूर बेटा, पहले काम, जल्दी आना, चाय भी आ रही है। Thank you.
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें चाय बनाता हुआ देखने आ गया। आप दादी के पास जाकर बैठे, मैं वहीं चाय लेकर आ रही हूँ। क्यों, तुम्हें मुझसे डर लगा? ये क्या बदतमीजी है? आप अपनी हद में रहेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अरे यार, तुम मजाक करो, तुम मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती हो जाए। मुझे पता है कि तुम फारिस के साथ अपनी मांगे पर खुश नहीं हो। हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ूंगा। अगर ये कदम भी आगे बढ़ाया ना तो असद भाई को सब कुछ बता दूंगी मैं। अभी सिर्फ एक थप्पड़ मारा है मैंने, किसी और को पता लगा ना तो जान से मार देंगे वो। तुमने अच्छा नहीं किया मुकद्दस, तुम्हें इस हरकत के लिए पछताना पड़ेगा। इस थप्पड़ का हिसाब बहुत जल्द चुकाना पड़ेगा। दफा हो जाए यहां से वरना मैं शोर में जा रही हूं। शिराज भाई कैसे हैं? खैरियत से? ठीक हो तुम? कैसे हो? ठीक ठाक। खैरियत? आप किचन के अंदर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मुकद्दस मेरे लिए स्पेशल चाय बना रही थी, बड़े गपशप लगा रहे थे। स्पेशल चाय? क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हुआ? नहीं। अरे कजन है पुराने, चलता है सब, देखो टेंशन की बात थोड़ी है। वो ना अपनी हर बात मुझसे ही शेयर करती है। अभी भी उसने फोन करके मुझे बुलाया था बात करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा मैं जाता हूँ दादी के पास चाय, तुम्हें आना हो तो चाय पीने आ जाना। बिल्कुल। एक बात बोलूँ, मेरे लिए ना वो वाकई स्पेशल चाय है। कहिए। एक बार ये फूफा और फारिस वापस चले जाए ना, सारी असलियत बता दूंगी अम्मी को। वैसे भी हमेशा मेरे साथ इतने ओवर होने की कोशिश करते, लेकिन आज तो बात ही करती। सगा भाई समझती रही और जिस मान और भरोसे से मुझे कहा था कि फारिस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, मैं चाहकर भी उनको इनकार नहीं कर सकी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में अच्छी तरह जानती हो, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ,
और तुमने तो कहा था तुम आंटी से बात करोगी मेरे प्रपोजल के बारे में, फिर तुमने फारिस की मंगनी से इनकार क्यों नहीं किया? मैं अच्छी तरह जानती हूँ अब्बू ने फारिस के साथ मेरी शादी का फैसला क्यों किया है, मगर मैं मोहित को यह सच्चाई कभी नहीं बता सकूंगी। मैं अपने माँ बाप की इज्जत का भरम कभी नहीं टूटने दूंगी। हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़े। नहीं छोड़ूंगा। अगर ये कदम भी आगे बढ़ाया ना तो असद भाई को सब कुछ बता दूंगी मैं। अभी सिर्फ एक थप्पड़ मारा है मैंने, किसी और को पता लगा ना तो जान से मार देंगे वो। ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। खुद को समझती क्या हो तुम? वो हाल करूंगा ना तुम्हारा कि फारिस तो क्या किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। हाँ आई अंडरस्टैंड, मैं इसको सॉर्ट आउट करके आपको बताता हूँ। ओके सरमद, आपको मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ खड़े। खाना लग गया कब से, ठंडा हो रहा है। मोहित कहाँ है? मोहित अपने कमरे में। उसकी तबीयत तो ठीक है, खाना नहीं खाया? हाँ उसने लंच लेट किया था, अगले महीने उसके एग्जाम्स भी हैं तो वो पढ़ाई कर रहा है। उसको मैं दूध भेज दूंगी, आप तो आए ना। मुझे वो दे दो मीठा। नहीं बेटी, रात को खाया ना, खाने दो ना, कुछ नहीं होता। अम्मा मैं सोच रही थी लाहौर जाने से पहले मुकद्दस की और फारिस की शादी की तारीख क्यों ना तय कर लूं। ये भाई सज्जाद और मोमना से पूछो, तैयारी तो इन लोगों ने करनी है। क्यों सज्जाद बोलो। जी जी आपा भाई, मुझे क्यों एतराज होगा, जैसे आपकी खुशी। वैसे भी मुकद्दस आपकी बेटी की तो तला है, जब उसे ले जाना चाहते हैं रुखसत करा के दे जाएं। तो बस तय हो गया, मुकद्दस के फाइनल एग्जाम खत्म हो जाए ना तो फिर शादी की तारीख रख देते हैं, तब तक मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। भाई मोमना तुम तो तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बेटियों की शादी की तैयारी में बहुत टाइम लगता है। इस जुमे को हम शादी की तारीख तय कर लेते हैं, सही? ठीक है। पराठा खा, बड़े मजे का। हाँ बेटा खाओ। हाँ हाँ खाओ। चाय दीजिएगा गरम मुझे। नाराज हो? इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे घर में, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैंने कोशिश की थी मोहित, तुम्हें बताना चाह रही थी लेकिन तुम कभी सुनते जो नहीं हो, सिर्फ सुनाने की पड़ी भी होती है तुम्हें। ठीक कह रही हो, पता मुकद्दस इंसान उसी को सुनाता है जिसको अपना समझता है। ऐसी बात नहीं है मोहित, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था, मुझे बस मौका नहीं मिला तुम्हें बताने का। Really? मौका नहीं मिला था या बताना नहीं चाहती? मोहित मैं ऑलरेडी बहुत टेंस हूँ, तुम मुझे हौसला देने के बजाय मुझे मजीद परेशान मत करो। मैं परेशान कर रहा हूँ यार, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान हुआ हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपने लिए कोई फैसला लेने का कोई अख्तियार नहीं है। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी जिंदगी है ये,
तुमने डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तुम्हारी खुशी किसमें है, तुम्हें बताना है सबको। नहीं मोहित, मैं जिस फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ वहाँ तो बेटों को इख्तियार नहीं मिलता, मैं तो फिर बेटी हूँ। ठीक है, अगर तुम खुद ही अपने लिए लड़ना नहीं चाहती हो तो कोई कुछ क्या कर सकता है तुम्हारे हक के लिए। फौजिया भाभी मेरा यकीन करें, अगर फारिस की पसंद का मामला ना होता ना तो मैं आपको कभी मायूस ना करती। देखिए अमल मेरी भी बेटियों की तरह है। समीना सही कह रही है फौजिया, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अगर फारिस का जोड़ मुकद्दस के साथ लिखा है तो हम इंसान कौन होते हैं एतराज करने वाले। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन भाभी लेकिन कुछ नहीं, आप मम्मी पर भी नहीं आई थी, अब मैं शादी की तारीख रखने जा रही हूँ, आपको जरूर आना होगा। बस फौजिया बेटा जिद छोड़ भी दो, इतने प्यार से वो कह रही थी, मान भी जाओ आप। ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में तो मैं शादी में शरीक हो जाऊंगी। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। करे अभी आ जाए, से आएगी जरूर आएगी। देखो मैं सच कह रहा हूं, मुकद्दस इस रिश्ते से खुश नहीं है। बेहतर होगा कि तुम लोग बैठ के एक दफा बात कर लो, वैसे भी जिंदगी तुम दोनों ने ही साथ गुजारनी है। मगर फिराज तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? क्या मुकद्दस ने तुमसे कुछ कहा है? अरे नहीं, उसने कुछ नहीं कहा मुझे, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझता हूँ ना, कजन है, साथ ही पले बड़े, हम जानते हैं एक दूसरे के मिजाज को बहुत अच्छी तरीके से। असल में ना वो तुम्हारे टाइप के लड़कों को ना पसंद नहीं करते। मेरे टाइप के लड़के? मेरे टाइप के लड़कों में क्या मसला है? मैं कोई लड़की हूँ क्या मुझे पता होगा क्या मसला? वो तो मुकद्दस को पता होगा ना भाई, मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी मेरे भाई। ठीक है, तुम परेशान मत खड़े हो। समझ नहीं रहे हो मेरी बात मोहित। तुम मेरी बात को नहीं समझ रही हो। देखो मैं ये नाइंसाफी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुकद्दस ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी खुशी का मसला नहीं है, इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, अब मैं ये तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो क्या करूँ मैं, अपने माँ बाप को पप्पो के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकती, अब वो मेरी शादी तय कर चुके हैं, मैं क्या करूँ। तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करती? क्या कैसे ढूंढ रहे हो? मुकद्दस कहाँ है? मुकद्दस वो वहां गई है कौसर के साथ नोट्स लेने के लिए, आती होगी, उसी का वेट कर रही हूँ। कहाँ रह गई है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तबीयत हाँ, इतनी मेरा बीपी लो हो रहा है, शायद गर्मी की वजह से। चलो चलो मैं तुम्हें कैंटीन से जूस। हाँ प्लीज। चलो देखो चिराग, मैं अब अपने घर वालों को मजीद नाराज नहीं कर सकती, वो जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहते हैं।
तो बेहतर है कि अब तुम कोई सीरियस डिसीजन ले लो। मैंने शादी से कब मना किया? बस थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो ताकि मैं अम्मी से बात कर सकूं। बस कर दो, मैं तंग आ गई तुम्हारे नए नए बहाने सुन सुन कर। तुम्हारी वजह से मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल्स को मना किया। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बहाने बना रहा हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को नाराज किया। और अब मैं तुम्हें अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं होने दूंगी, तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। इससे बेहतर है कि जल्द से जल्द अपनी अम्मी को मेरे घर भेजो। मैं भेज रहा हूँ, तुम नाराज मत हो। I love you. I love you too. Very true, sir. Okay? शुक्र है कि असद ने तुम्हें और मोहित को साथ नहीं देखा। वो वहां पहुंच चुका था जब मोहित तुमसे तुम्हारी और फारिस के एंगेजमेंट की बात कर रहा था। सोचो अगर वो सुन लेता तो क्या रिएक्ट करता। वो तो अच्छा हो मैं उसे वहां से लेकर निकल गई। लेकिन मुझे एक बात का दुख है, मुकद्दस तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, मुझसे शेयर नहीं की। प्लीज मुझे इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, छोड़ दो इस बात को। मुकद्दस ने कितनी आसानी से कह दिया कि सब कुछ भूल जाओ। क्या वो मुझे मेरी मोहब्बत को भूल सकती है? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि सजाद अंकल को मुकद्दस के लिए फारिस का रिश्ता बना सके? क्या बात है, क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। आप बताइए कैसी जा रही है आपकी बुटीक? बुटीक तो अच्छी चल रही है, थैंक यू। मैं कुछ और सोच रही थी मोहित, मैंने सोचा आप तुमसे बात कर लूं। किस बारे में? मुकद्दस के बारे में। वो उस रोज तुम्हारे लैपटॉप पे मैंने तस्वीर देखी थी मुकद्दस की, असद की बहन है ना, तुम्हारी क्लास फेलो भी है, तुम्हें कैसी लगती है? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं मुकद्दस को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है उसे, बड़ी अपनी अपनी सी फीलिंग आती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि असद के साथ दोबारा नजर ना आओ, फिर क्यों आई हो उसके साथ? मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम्हें मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आती अमल? तो फिर और क्या करती अम्मी मैं, शाम तक शहराज साहब का इंतजार करते यूनी में बैठ के? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है अम्मी कि शहराज भाई तो मुझे यूनिवर्सिटी पिक करने कभी टाइम पर आते ही नहीं है, इसीलिए मुझे मुकद्दस और असद के साथ आना पड़ता। अगर वो दोनों भी यूनी से चले गए होते तो मुझे अकेले आना पड़ता अम्मी। क्या शहराज तुम्हें यूनिवर्सिटी से लेने नहीं आया? शहराज यूनिवर्सिटी से इसे लेने नहीं जा रहा, आ जाने दो साहबजादे को, उसका तो मैं दिमाग ठीक करती हूँ। कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है उसकी लापरवाहियाँ।
अभी मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ, क्या मैं अब जाऊँ अपने कमरे में? हाँ चली जाओ, लेकिन याद रखना अगर मैंने तुम्हें दोबारा असद के साथ देखा तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी, समझ रही हो मेरी बात? जी। इससे पहले कि वो लफंगा असद मेरी मासूम बेटी को वरगला के मेरे खिलाफ कर दे, मुझे कुछ करना होगा। असद इतने दिनों से हमारे घर आ रहा है, बहुत ही डिसेंट लड़का है, मुझे इतनी रिस्पेक्ट और मान देता है, जब भी उसे मिलती हूँ ना तो अपनायत का एहसास होता है। मुझे यकीन है उसकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, इसीलिए तो मैंने मुकद्दस को बहू बनाने का सोचा है। क्या हुआ मोहित, मैंने को गलत बात कर दी? नहीं नहीं, आपने कोई गलत बात नहीं की, असल में मुकद्दस है इतनी अच्छी कि कोई भी उसे नापसंद नहीं करता। देर कर दी मामा, मैंने बहुत देर कर दी, शायद खो दिया उसको हमेशा के लिए।